हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन 11 एंड 1023 सी में फाइनेंशियल 21-22 से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं ये मैं आपको बताऊंगी। चेंजेस पहले पता करना इम्पोर्टेंट है बिफोर फाइलिंग ITR 7। ITR 7 के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि जितने भी चेंजेस हैं वो सब इनकॉर्पोरेट कर दिया ITR 7 में। तो कौन से शेड्यूल में आपको रिसीट बेसिस पे लेना है, कौन से शेड्यूल में आपको अक्रूवल बेसिस से लेना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ITR 7 वाले वीडियो में। तो आज सबसे पहले हम चेंजेस डिस्कस करें क्योंकि चेंजेस जब आपको पता रहेगा तभी आप प्रॉपरली ITR 7 भर पाएंगे। तो सबसे पहले जो चेंज आया है वो आया है सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 की क्लॉज D में। इस क्लॉज को थोड़ा सा अमेंड करा गया है। ये क्लॉज हमें बताता है कि अगर कोई वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है ट्रस्ट को विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट ये कॉर्पस फॉर्म करेगा तो वो एग्जेम्प्ट रहते हैं। वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन से है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्पस फॉर्म होगा एक ट्रस्ट के लिए या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। अब उसमें कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये है कि ये जो कॉर्पस है ये इसको आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 11 के सबसेक्शन 5 में जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया गया है आपको उस फॉर्म में रखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे फॉर्म है, उसके कोई भी एक फॉर्म में आपको इन्वेस्ट करना है या डिपॉजिट करना है। किसको डिपॉजिट करना है? जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिले हैं कि ये कॉर्पस फॉर्म हो। अब इसको आपको इन्वेस्ट या डिपॉजिट करके रखना है 11(5) में जो फॉर्म्स बताए गए हैं, तभी ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी। पहले क्या था? पहले आप जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन से वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिलते हैं कि वो कॉर्पस फॉर्म होंगे ये एग्जेम्प्ट रहते थे प्राइमा फेसिया। बट अब इस साल से उन्होंने ये कंडीशन डाल दी है कि इसको आपको अलग से इन्वेस्टेड रखना है। मैं आपको एक बार सेक्शन भी पढ़ देती हूँ जो एक्ट का है। इनकम इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन वन और मोर ऑफ द फॉर्म्स और मोड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5। एनालिसिस क्या है? नाउ दिस क्लॉज द डी हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट द इनकम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस शैल बी एग्जेम्प्ट। कब एग्जेम्प्ट होगी ऐसी इनकम जो कॉर्पस फॉर्म करे, कब एग्जेम्प्ट होगी? ओनली इफ द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन वन और मोर फॉर्म्स और मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11 सबसेक्शन 5। 11(5) के कोई भी एक मोड में आप ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन को आपको रखना पड़ेगा तभी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। सेकेंड है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 में एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करा है, एक्सप्लेनेशन 4। वो हमें ये बताता है कि एक्सेस जो एप्लीकेशन है फाइनेंशियल 21-22 से जो एक्सेस एप्लीकेशन आप करते हैं वो अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और ये एक्सेस एप्लीकेशन क्यों हुआ होगा? जरूर आपने कॉर्पस से, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपको डोनेशन रिसीव हुए, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुए हैं वो सफिशियंट नहीं है टू मीट आउट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हाट द ट्रस्ट हैज डन। तो जरूर कॉर्पस से थोड़ा सा लिया होगा या कोई लोन और बोरोइंग्स के थ्रू आपने एप्लीकेशन करा होगा। तो अगर कोई एप्लीकेशन कॉर्पस के थ्रू हुआ है, कॉर्पस को क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस पर्पस के लिए जो कॉर्पस फॉर्म होता है वो आप इन एप्लीकेशन नहीं कर सकते, एप्लीकेशन में उसको यूज नहीं कर सकते। वो बिल्कुल कॉर्पस जैसे आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर कॉर्पस से कोई एप्लीकेशन हुआ है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा और ये तब अलाउ होगा जिस साल आप उतना ही वापस कॉर्पस में डाल देंगे। उस प्रीवियस ईयर में यूटिलाइजेशन माना जाएगा जिस साल आप वापस जितना आपने एक्सेस अप्लाई किया था कॉर्पस के थ्रू उतना आप वापस कॉर्पस में डिपॉजिट कर देंगे। अगर कोई एप्लीकेशन लोन और बोरोइंग्स के थ्रू हुआ है तो जब तक आप लोन और बोरोइंग्स को रीपे नहीं कर देते, जितना पोर्शन यूज हुआ है उतना आप रीपे नहीं कर देते, तब तक उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा।
तो अगर इस साल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर आपने लोन और बोरिंग से कोई एप्लीकेशन किया है तो वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, वो उसी साल माना जाएगा जब आप लोन को रीपे करेंगे उतने प्रपोर्शनेट में। तो एक्सप्लेनेशन फोर, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी में बताया गया है कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी, बट उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से अमाउंट को एप्लीकेशन मानेंगे और कौन से नहीं मानेंगे वो बताया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द कॉर्पस, अगर एप्लीकेशन किया है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस कॉर्पस से एज रेफर्ड टू इन क्लॉज डी ऑफ दिस सबसेक्शन। अभी हमने जब प्रीवियस स्लाइड में देखा कि क्लॉज डी में आपको कॉर्पस को स्पेसिफिकली इन्वेस्टेड रखना है 11(5) में जो जितने भी फॉर्म्स बताया गया उसमें, तो 11D में 11(1D) में क्या बताया, कॉर्पस को बताया कि कॉर्पस एग्जेम्प्ट रहता है। अगर आपने उस इनकम से उस कॉर्पस से एप्लीकेशन किया है तो वो शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस प्रोवाइडेड दैट अमाउंट नॉट सो ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, जितना अमाउंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन और पार्ट देयर ऑफ शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन द प्रीवियस ईयर, उस साल एप्लीकेशन मानेंगे इन विच द अमाउंट और पार्ट देयर ऑफ इज इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बैक, जिस साल आप कॉर्पस में वापस पैसे डाल देंगे उस साल वो एप्लीकेशन मानेंगे। और इसके लिए ITR 7 में स्पेसिफिकली कॉलम दिया हुआ है इनटू वन और मोर ऑफ द फॉर्म्स और मोड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 मेंटेन स्पेसिफिकली फॉर सच कॉर्पस फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट ईयर एंड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो इन व्यू ऑफ दिस द एक्सप्लेनेशन फोर हैज बीन इंसर्टेड व्हिच प्रोवाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द कॉर्पस एज रेफर्ड टू इन क्लॉज डी ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस प्रोवाइडेड दैट इफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड बैक इन टू वन और मोर फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 मेंटेन स्पेसिफिकली फॉर सच पर कॉर्पस शैल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन द प्रीवियस ईयर एंड टू द एक्सटेंट द अमाउंट इज डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड बैक। वैसे जो एक्सप्लेनेशन 4 में सेकेंड पॉइंट है वो लोन एंड बोरिंग से रिलेटेड है, फर्स्ट पॉइंट कॉर्पस से रिलेटेड है, सेकेंड पॉइंट है लोन एंड बोरिंग्स। एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फ्रॉम एनी लोन और बोरिंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, और वो कब एप्लीकेशन माना जाएगा जिस साल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द लोन और बोरिंग्स और पार्ट देयर ऑफ इज रीपेड फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट ईयर एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सच रीपेमेंट, जितना आप रीपेमेंट कर दोगे उतना एप्लीकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 4 के बाद एक्सप्लेनेशन 5 भी एक एड ऑन करा गया है जिसमें ये बताया गया कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं होगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब आपका जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होते थे, लॉस ट्रस्ट के केस में लॉस वर्ड बोलना गलत होगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन रहता था वो आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे, बट अब इस साल से कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस डिडक्शन एंड अलाउंसेस ऑफ एनी एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रिसीडिंग ईयर व्हाइल कंप्यूटिंग दी इनकम रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड और एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर इज नॉट अलाउड। तो एक्सप्लेनेशन 5 में स्पेसिफिकली उन्हें क्लियर कर दिया है कि जब आप कैलकुलेट करोगे इनकम कितना अप्लाई करना है इस साल या कितना एक्यूमुलेट करना है तो उसमें कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, डिडक्शन को नहीं कंसिडर किया जाएगा और अलाउंसेस को नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है 1023C सेक्शन की बात करें तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके केस में अमेंड किया है 3AD एंड 3AE, इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई है। फर्स्ट जो क्लॉज 3AD है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है जो सोली एजुकेशनल पर्पस के लिए फॉर्म हुई हो एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। अब उसमें बताया गया कि अगर
वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक्सीड नहीं करते हैं तो वो इस क्लॉज के तहत एग्जेम्प्ट रहेगी उनकी इनकम. एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग सोलली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, इफ द एग्रीगेट एनुअल रिसीट ऑफ सच यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ रिसीट एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब एज मे बी प्रिस्क्राइब जो है उसके लिए एक्सप्लेनेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है. वैसे ही जो क्लॉज 3A ही है वो हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, उनके केस में भी ये लाइन ऐड कर दी है, इफ द एग्रीगेट एनुअल रिसीट ऑफ सच हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनुअल रिसीट एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर एक्सीड हो जाते हैं तो वो इन क्लॉज के तहत एग्जेम्प्ट उनकी इनकम नहीं रहेगी. तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 3AD जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है एंड 3AE जो कि हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट इफ द पर्सन हैज रिसीव्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज रेफर टू इन क्लॉज 3AD एज वेल एज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन एज रेफर टू क्लॉज 3AE, द एग्जेम्पशन अंडर दीज क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इफ द एग्रीगेट ऑफ द एनुअल रिसीट ऑफ द पर्सन, पर्सन बोल दिया है, फ्रॉम सच यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन एक्सीड ₹5 करोड़. मतलब अब यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाइज आप नहीं देखोगे, पर्सन वाइज देखोगे. एक पर्सन में अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं उसके अंडर, तो आपको सारी यूनिवर्सिटी को एग्रीगेट करके उसका एनुअल रिसीट देखना है कि वेदर इट एक्सीड्स 5 करोड़ और रुपीज नॉट. इफ इट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ तो फिर इस सेक्शन के तहत उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी. एनालिसिस क्या है? इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन आर एंटाइटल टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023C. एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब एनुअल रिसीट 5 करोड़ के अंदर अंदर हो. किसकी? पर्सन की. सेक्शन 1023C, 3AD एंड 1023C, 3AE रिस्पेक्टिवली, इफ द एनुअल रिसीट डू नॉट एक्सीड 5 करोड़, प्रीवियसली इट वाज 1 करोड़ रुपीज. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन केस ऑफ ट्रस्ट इन इनकम टैक्स एक्ट. अब हम देखेंगे कि हाउ टू फिल ITR 7 इन द नेक्स्ट वीडियो. तो तब तक लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें. थैंक यू. एंड इफ यू वांट कि ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी बिल्कुल बनाऊंगी. थैंक यू.